और आज करने वाली हूँ मैं किचन की सफाई। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद लंच बना के भी मैंने रख दिया ताकि बीच में खाने का कोई काम ना रहे। और अब पूरा किचन जो है वो मैं खाली कर रही हूँ, एक एक सामान कंटेनर जितने भी है वो सब निकाल के मैं लिविंग रूम में रख रही हूँ ताकि किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाए। किचन के साथ साथ आज मैं लिविंग रूम की भी सफाई करूँगी। तो जो भी किचन की सफाई है वो तो मेरी जो हाउस हेल्पर है उसको मैंने बोला है क्लीन करने के लिए, और लिविंग रूम की जो सफाई है वो मैं खुद करूँगी। और किचन में क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हर एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करने में, और लेडर पे खड़े खड़े मेरे से होता नहीं है, मैं ज़्यादा देर लेडर पे खड़ी नहीं रह सकती। इस वजह से किचन की ज़्यादातर क्लीनिंग मैं हाउस हेल्पर से ही करवाती हूँ। और आज इन दोनों जगह की सफाई होने के बाद कल फिर दो बेडरूम और बचे हैं उनकी भी मुझे करनी है। तो बस कर्टन्स वगैरह वॉश करूँगी, और इस पर जो लाइट्स लगी हुई थी ये भी ख़राब हो चुकी है, तो ये भी मैंने दूसरी ऑर्डर करी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और हम लोग भी आ गए हैं शादी से घर, और आए हुए हम लोगों को 2 दिन हो गए हैं, और मैं लग गई थी होली की साफ़ सफाई में क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं होली में भी। और तनु की भी एग्ज़ाम फिनिश हो चुकी है, अभी इसके भी वैकेशन चल रहे हैं, और ऋषभ के अभी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके 23 मार्च को फिनिश होंगे सारे एग्ज़ाम। हमारी सोसाइटी में आज होली मिलन रखा है, तो शाम को सबको पार्टी में जाना है नीचे, तो सबको साड़ी पहन के जाना है। सब लेडीज़ ने मिलकर डिसाइड किया है कि सब साड़ी पहन के ही आएंगे। तो यहाँ पर मैंने 4-5 साड़ियाँ निकाल के रखी है। अब कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन सी पहन के जाऊँ, क्योंकि ना तो मुझे ज़्यादा हैवी पहननी है ना ज़्यादा सिंपल पहननी है। मुझे ना बहुत ज़्यादा हैवी वर्क वाली साड़ियाँ पसंद नहीं आती है, तो बस इन्हीं में से 4-5 साड़ी निकाल रखी है, इन्हीं में से डिसाइड करूँगी। तो मैं आपको अभी साड़ियाँ दिखाती हूँ। एक मेरे ननंद भाईसा ने भी मुझे बहुत प्यारी साड़ी भेजी है, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। और मैंने यहाँ पर ये सारी साड़ियाँ निकाली है। साड़ियाँ और भी बहुत सारी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिंपल साड़ी है, जैसे डेली वेयर में हम पहनते हैं ना उस तरह की साड़ियाँ हैं, और कुछ ज़्यादा हेवी वर्क वाली है, तो वो भी मुझे नहीं पहननी थी। तो बस ये 4-5 मैंने निकाली है, इनमें से ही कुछ डिसाइड करके पहन के जाऊँगी। और ये वाली साड़ी मेरे भाईसा ने मेरे लिए भेजी है, और इसको आए हुए भी 10-12 दिन हो गए हैं, लेकिन ये रेडी नहीं हुई है अभी तक। मतलब इसका ब्लाउज़ वगैरह सब मुझे स्टिच करवाना है। अगर ये रेडी होती तो मैं यही पहन के जाती। इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत ही सुंदर साड़ी है, सिंपल एंड सोबर सी। और मुझे ना ज़्यादातर शिफॉन की, जॉर्जेट की, या फिर जो प्योर की साड़ियाँ आती हैं ना वो ही ज़्यादातर पसंद है। और ये वाला सामान भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, बाहर ही रखा हुआ है। मैं अभी शादी में गई थी ना मेरे देवरानी के पीहर, तो वहाँ से दिया है ये। तो ये तो ऋषु के पापा को दिया है, बाकी ये बेस आए हैं सारे। तो ये भी बहुत सुंदर है, रानी कलर का है। और एक ये पिंक वाला भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, पूरा 4 मीटर है जॉर्जेट का, और प्योर का ओढ़ना है इस पर। तो ये सारे बेस आए हैं वहाँ से, और एक ये रसवदाई में जो बर्तन दिए थे वो है, और ये बिंदनी ने ट्रे का सेट पूरा इस तरीके से दिए हैं सबको, ये भी बहुत सुंदर है। तो ये सब रसवदाई में दिए हैं। और एक ही गिफ्ट आया है, मतलब ऋषु के पापा बारात में गए थे ना, तो वहाँ से सभी बारातियों को इस तरीके से गिफ्ट दिया है, राधा कृष्ण की फ़ोटो फ्रेम है, और ये सिल्वर के हैं, मतलब चांदी के बने हुए हैं राधा कृष्ण। तो ये जो दुल्हन की तरफ से, मतलब दुल्हन के पीहर की तरफ से सभी बारातियों को दिया है, बहुत ही सुंदर है ये भी। और आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, पूरा दिन हो गया आज कुछ ना कुछ काम करते करते। और किचन के जितने भी बर्तन थे, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, सारे बर्तन दिन भर में मैंने वॉश किए, और जैसे जैसे सूखते गए वैसे वैसे अरेंज करती गई। बस अब ये जो कंटेनर्स है सारे, ये मैं अरेंज कर रही हूँ इनमें से, मतलब ये तो खाली होते जाते हैं और वॉश करती मैं जाती हूँ, तो इतना ये सब गंदे नहीं थे। और ये सब रेक वगैरह भी एक दो किचन में लगी हुई है, ये भी मैंने सब अच्छे से क्लीन कर ली है। तो किचन तो पूरा मेरा डन हो चुका है, और बस अब कल 2 रूम और बचे हैं वो करूँगी। और अभी मैंने थोड़े से ही बर्तन लगाए हैं, थोड़े मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि अभी मुझे नीचे 8:30 बजे तक पार्टी में जाना है, और बस अभी चाय बनाई, चाय पीऊँगी, उसके बाद रेडी होके नीचे जाएंगे। 8:30 बजे से पार्टी शुरू हो जाएगी, और 7:30 बज चुकी है, और मुझे रेडी होने में भी अभी टाइम लगेगा। और डिनर बनाना नहीं है, डिनर नीचे ही करेंगे, सबका डिनर नीचे ही है। और एक तो सूट वगैरह पहन के जाना होता तो फटाफट से मैं रेडी हो जाती, लेकिन साड़ी पहन के जाना है तो साड़ी पहनने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है।
और मैं हो गई हूँ रेडी। और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, पिंक एंड येलो कलर है इसमें। मैंने सोचा होली मिलन है तो थोड़ी कलरफुल साड़ी ही मैं पहन के जाऊँ। और यहाँ पर होली के सॉन्ग गाए जा रहे हैं, डांस हो रहा है, फुल एंजॉय कर रहे हैं सभी। और यहाँ सबकी रील्स बन रही है। डिनर करने के बाद सबने फोटोज वगैरह क्लिक किए, थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाई सभी ने। उसके बाद एग्जीबिशन भी लगा हुआ था कपड़ों का, तो यहाँ आ गए थे हम सभी कपड़े देखने के लिए। और अभी गेम वगैरह स्टार्ट होने में टाइम था तो थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे। और अभी टाइम हो रहा है रात के 11:30 और अभी सब गेम खेलेंगे, हाउजी खेलेंगे सभी। सर्कल कर लो या तो। और रात को तो बहुत लेट हो चुके थे, 1:15 तो बज ही चुकी थी हम लोगों को, मतलब 12:30 तो नीचे ही गेम खेलते खेलते बात करते करते हो गए थे। उसके बाद घर आए तब तक तो 1:15 बज चुकी थी। और अभी मैं बना रही हूँ ब्रंच, सुबह सब लेट उठे और अभी क्या बनाऊँ, तो ब्रेड वगैरह रखी हुई थी, पनीर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा पनीर ब्रेड पकौड़ा ही बना लेती हूँ। तो बस अभी पनीर को ग्रेट किया, सारे जो ड्राई मसाले हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं, साबुत धनिया थोड़ा सा मैंने इसमें क्रश करके डाला है, हरा धनिया डाला है, और अच्छे से चटपटा मसाला मैंने रेडी कर लिया है। अब बेसन भी मैं रेडी कर रही हूँ घोल बनाने के लिए, तो इसमें मैंने जीरा, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और एक पतला सा घोल रेडी कर लेंगे। जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा पतला ही रखना है घोल को, ज़्यादा थिक नहीं रखना है। तो घोल भी रेडी हो चुका है और यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी भी बना दी है। अब ब्रेड की स्लाइस आप चाहें तो साइड से जो इनके कॉर्नर है वो कट भी कर सकते हैं, और बिना कट करे भी आप बना सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। और यहाँ पर मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो वाइट यूज़ कर सकते हैं। और सच बताऊँ तो ब्रेड पकौड़े कोई भी आप बनाएंगे ना तो वाइट ब्रेड के ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर हम लोग ज़्यादातर ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करते हैं, तो मैंने इसी के बना लिए हैं, यही रखी हुई थी। और जो पनीर की स्टफिंग बनाई थी वो इस तरीके से रख लेंगे। और दोनों तरफ मैंने चटनी लगा दी है ब्रेड पर, और अगर आपके पास मीठी चटनी हो तो एक ब्रेड पे आप मीठी चटनी, एक ब्रेड पे आप ग्रीन चटनी लगा के भी पकौड़े बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं वो वाले। और यहाँ पर मैंने सारी ब्रेड रेडी कर ली है, बस अब इनको फ्राई करेंगे। और जब बनाना हो तभी बेसन के अंदर आधी छोटी चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड किया है। आप बिना बेकिंग सोडा के भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोडा ऐड करेंगे तो पकौड़ियाँ क्रिस्पी बनेगी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही सोडा ऐड किया है। अब ब्रेड को अच्छे से बेसन में डिप करके ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे, और पकोड़े को अच्छे से अलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और मसाले के अंदर मैंने ना चाट मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी ऐड किया था, तो मसाला बहुत ही बढ़िया बना था, चटपटा सा एकदम, और टेस्टी पकौड़ियाँ बनी थी। तो बस सारी पकौड़ियाँ मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी।
और यहाँ पर ब्रेड पनीर पकोड़ा रेडी है, ग्रीन चटनी के साथ, सॉस के साथ या मीठी चटनी के साथ, किसी के भी साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और आज है मेरा बर्थडे, तो मेरे दोनों फ्रेंड्स आए हैं और अभी केक कट करेंगे। और बहुत अच्छा लगा दोनों फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करके, और मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे लिए तो एक सरप्राइज़ ही था ये सब कि दोनों आए और साथ में केक भी लेके आए, गिफ्ट्स भी लेके आए और ढेर सारा प्यार भी लेके आए दोनों मेरे लिए। और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद इस तरीके से बैठे हम लोग, बातें वगैरह करी हम लोगों ने, और एक मतलब अलग ही फीलिंग होती है फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने की। और अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 और अभी फैमिली के साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट करना बाकी था, तो बस अभी केक कट करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे रेणुका, हैप्पी बर्थडे टू यू। और हो गया है बर्थडे भी सेलिब्रेट, और आज बाहर नहीं जाने वाले हम लोग डिनर के लिए, क्योंकि ऋषभ की अभी एग्ज़ाम चल रही है और कल ही इसका पेपर है, फिर टाइम वेस्ट होता है बाहर जाने आने में। और अभी जो भी पसंद होगा बच्चों को खाने के लिए वो घर पे ही ऑर्डर कर लेंगे। और इस वीडियो को भी अब मैं यहीं एंड करूँगी, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।